हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्रिपल। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरे के पूरे 26 ट्रिपल आईटीज, जो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनकी मैक्सिमम कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। जो भी आप ट्रिपल आईटीज में बस एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी ब्रांच के साथ, तो मैक्सिमम किस रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है, इस सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि अच्छी ट्रिपल आईटीज में कुछ ऐसे ब्रांचेज होते हैं जो आपको हाई रैंक पर एडमिशन दिला सकते हैं। तो एक वीडियो के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कहाँ तक आप सोच सकते हो ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेने का। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एट 26 पोजीशन एनआईटी मणिपुर। अब इसमें एक नया ब्रांच आया ईसी विद बीएलएसआई, जो प्रीवियस ईयर एक हाई कट ऑफ तक क्लोज होता हुआ नजर आया था। ओपन कैटेगरी के साथ 87,000 पे कॉलेज क्लोज हो गया था सीसा फाइनल राउंड में। जोसा में 52,000 पे क्लोज हो गया था। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप जोसा के साथ अपनी कट ऑफ को मैच कर रहे हो, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आप अपनी कैटेगरी रैंक से मैच करोगे। आपको बेसिकली दो रैंक दिया जाता है, एक तो आपका सीआरएल रैंक होता है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक कैटेगरी रैंक भी दिया जाता है। तो कैटेगरी रैंक पे आपको जोसा का काउंसलिंग चलता है, बाकी सीसा या इंडिया की कोई भी काउंसलिंग सीआरएल रैंक के बेसिस पे चलते हैं, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। वही फीमेल जेंडर के साथ देखें तो ईसी जो क्लोज हुआ था वो 1,11,000 पे फाइनली सीसा में क्लोज हो गया था। तो 1,00,000+ पे भी फीमेल कैंडिडेट को एक एडवांटेज मिलता है, इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा आपको ईसी के साथ। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी भागलपुर। ट्रिपल आईटी भागलपुर का जो मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है वो हाई कट ऑफ तक कभी कभी चला जाता है। वैसे तो 68,000 पे सीसा में फाइनली कॉलेज क्लोज हुआ, लेकिन आप जब प्रीवियस ट्रेंड को देखोगे, 3 से 5 सालों का स्टेट को देखोगे, तो सीसा में क्या है कि अनइवन वे से कट ऑफ जंप भी ले लेता है। तो आप डेफिनेटली जाके कॉलेज टी पॉइंट का प्रिडिक्टर यूज करो और वहां पे देखो कि कभी कभी क्या होता है, हाई रैंक्स पे भी आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। 3 से 5 सालों के स्टेट को कंपैरिजन करते हुए आपको दिखाता है आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। वहीं पे आप डिटेल्ड उसकी प्लेसमेंट स्टेट, फी स्ट्रक्चर, सारी चीजें देख सकते हो। आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्लिक करने की जरूरत नहीं, वहीं पे सिंगल पेज पे आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। तो एक इजी वे से आप सारे स्टेट को देख सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांच के साथ चाहिए तो आप फिल्टर का ऑप्शन यूज करके उस ब्रांच में फिल्टर लगा के देख सकते हो उस ब्रांच में कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। और एक मेरी पर्सनल एडवाइस आपको रहेगी, अगर आपका 70,000 रैंक है तो आप 50,000 रैंक डाल के देखो, 40,000 रैंक डाल के देखो कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिले। बिकॉज होता क्या है कि कुछ ऐसे ब्रांचेज हैं जो ईयर बाय ईयर इंक्रीज कर रहे हैं, जो पिछले साल 40,000 पे गए थे, इस साल 60,000 पे जा सकते हैं। तो आप जब उस स्टेट को कंपैरिजन करते हुए देखोगे, तब आपको फाइनली पता चलेगा कि नहीं, कुछ ब्रांचेज में हमारे एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी, और ऐसा केवल और केवल कॉलेज टी पॉइंट प्रेडिक्टर अवेलेबल कराता है, जहां पे आप स्टैट को कंपेयर करते हो प्रीवियस ईयर के स्टैट के भरोसे केवल बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओगे। तो कम से कम 3 से 5 सालों के स्टैट से एक अच्छा प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। वही फीमेल कैंडिडेट के साथ देखें तो ओपन कैटेगरी के साथ 57,000 पे फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया था मेगाट्रॉनिक्स। एट 24th पोजीशन ट्रिपल आईटी कल्याणी। ओपन कैटेगरी के साथ फाइनली जोसा में कॉलेज 41,000 पे क्लोज हो गया था, सीसा में 54,000 पे क्लोज हो गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ। बाकी आपको कंप्यूटर साइंस या फिर टोटल ब्रांचेस की देखनी है कि फाइनली कौन कौन से ब्रांचेस ट्रिपल आईटीज में अवेलेबल है, कहां तक उसकी मैक्सिमम कट ऑफ जाती है, उसके लिए कंप्लीट वीडियो ट्रिपल आईटीज की बनी हुई है, जिसमें आपको प्लेसमेंट स्टैट भी 3 से 5 सालों का कंपेयर करते हुए दिखाया गया है। तो उस वीडियो को डेफिनेटली जाके देखना, बिकॉज वो वीडियो एक बार आपने देख लिया तो आपको सारे जो भी इंडिया के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटीज हैं उनकी सारी स्टेट आपके पास रहेगी। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करना उसे। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी अगरतला। अब इसमें एक ही ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ओपन कैटेगरी के साथ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 43,000 तक फाइनली सीसा में कॉलेज क्लोज हो गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी करनौल आंध्र प्रदेश में ये कॉलेज है। ओपन कैटेगरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो था वो 77,000 तक फाइनली सीसा में कॉलेज क्लोज हो गया था। और भी ब्रांचेज है, उसकी डिटेल वीडियो बनी हुई है, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस। बेसिकली ये नया कैंपस एस्टेब्लिश हुआ है और ये ड्यू कैंपस के नाम से पॉपुलर है। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही अवेलेबल है। ओपन कैटेगरी के साथ 41,000 तक मिल गया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फाइनली सीसा राउंड में। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी कोटायम। ओपन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 51,000 तक फाइनली सीसा में कॉलेज क्लोज हो गया था। अदर कैटेगरी की कट ऑफ आप देख सकते हो, जूसा में कैटेगरी रैंक और सीसा में सीआरएल रैंक आपको देखना है। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी धरवाद। ओपन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 56,000 तक चला गया था इस कॉलेज में। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी रांची। ओपन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 50,000 तक चला गया था सीसा फाइनल राउंड में। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी रायचू कर्नाटका में ये कॉलेज है। कंप्यूटर साइंस केवल यहाँ पे अवेलेबल है। ओपन कैटेगरी के साथ 40,000 तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी ऊना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 40,000 तक ओपन कैटेगरी के साथ चला गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी श्री सिटी। ओपन कैटेगरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 46,000 तक चला गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी नागपुर। ईसी विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स न्यूली ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ था और ऐसे बहुत सारे सीएस रिलेटेड ब्रांच यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे। तो उनकी कट ऑफ देखनी है तो कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे राउंड वाइज कट ऑफ डिटेल्ड वन व्यू में अवेलेबल है। आपको बार बार क्लिक करके डिफरेंट राउंड की कट ऑफ नहीं देखनी पड़ेगी। आप वहीं पे कंपेयर करते हुए देख सकते हो कि फाइनली कहां तक कॉलेज क्लोज्ड हुआ।
तो सारी चीजें कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, साथ ही साथ सारी स्टैट भी अवेलेबल है, तो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ओपन कैटेगरी के साथ 44,933 पे फाइनली सीसीएम में कॉलेज क्लोज हो गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी त्रिची। ओपन कैटेगरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 50,000 प्लस पे क्लोज हुआ था, तो 50,000 प्लस भी आपका रैंक है तो देयर इज चांस इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी भोपाल। ओपन कैटेगरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 40,000 पे फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी कोटा। ओपन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 31,000 पे ही क्लोज हो गया था, तो 30,000 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा फॉर गेटिंग ट्रिपल आईटी कोटा। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी गुवाहाटी। ओपन कैटेगरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 42,000 तक चला गया था, तो आप यहाँ पे एक मिक्स देख रहे हो। सीसीएम में जो कट ऑफ है वहाँ कभी कोई कॉलेज 50,000 पे चला जा रहा, कोई कॉलेज 40,000 पे चला जा रहा, तो सीसीएम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल राउंड होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थोड़ा चॉइस फिलिंग में भी हड़बड़ी करते थे जिसके कारण थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बट आपको रियल स्टेट कंपेयर करना है तो जोसा से आप कंपेयर करो, बिकॉज सीसीएम में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो जो भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है सिक्वेंस वो जोसा के अकॉर्डिंग ही दिखाया जा रहा है, तो मैक्सिमम जो चीज़ें आपको इनहेरिट करनी है वो जोसा से ही करनी है। सीसीएम में कभी कभी क्या होता है कि हाई रैंक पे भी टॉप कॉलेजेस मिल जाते हैं, इसलिए सीसीएम एक एडवांटेज वाला भी राउंड कहलाता है, एक डिसएडवांटेज वाला भी राउंड कहलाता है। फीमेल कैंडिडेट ओपन कैटेगरी के साथ 48,867 पे फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी सोनीपत या ट्रिपल आईटी हरियाणा के नाम से ये पॉपुलर है। ओपन कैटेगरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 28,704 पे फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी सूरत। ओपन कैटेगरी के साथ कॉलेज क्लोज हो गया था 36,000 पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी वडोदरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओपन कैटेगरी के साथ 26,000 पे फाइनली सीसीएम में कॉलेज क्लोज हो गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी कंचीपुरम। ओपन कैटेगरी के साथ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 51,000 तक चला गया था और सारे कट ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले, बस ईडब्ल्यूएस से 72,000 तक सीसीएम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लोज होता हुआ नजर आया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी पुणे। ओपन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 26,000 पे फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया था। अगले नंबर पे आता है ट्रिपल आईटी जबलपुर। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ओपन कैटेगरी के साथ 64,000 तक चला गया था, तो आप देख रहे हो कि कट ऑफ थोड़ा अनइवन वेरिएशन लेता है सीसीएम में। अब जोसा में देखोगे तो एक परफेक्ट सीक्वेंस मिलेगा, बट सीसीएम में क्या होता है कि थोड़ा बहुत कट ऑफ कोई कोई टॉप कॉलेज का भी हाई तक चला जाता है, तो इसलिए हमेशा जोसा से आप अपने चॉइस फिलिंग रेडी करो। चॉइस फिलिंग टूल्स कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है और वहां पे सीसीएम में जाके आप टॉप कॉलेज को भी भरो, बिकॉज आप कितनी भी चॉइसेस भर रहे हो तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपके कभी भी काउंसलिंग पे हार्म नहीं करता है। आप हमेशा टॉप कॉलेज को प्रायोरिटी वाइज भरो, बिकॉज एक अनइवन चेंज अगर कट ऑफ लेता है तो देयर इज अ चांस कि आपको टॉप कॉलेज मिल जाए। इसके लिए कॉलेज टी पॉइंट का टूल आप यूज कर सकते हो, जहां पे आपको एक परफेक्ट सीक्वेंस में चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिलता है। अगर आप वहां से कुछ रिप्लेस करना चाहते हो, कुछ हटाना चाहते हो, तो आप वहीं पे मॉडिफाई भी कर सकते हो, और ऐसा टूल अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं जो इतना मॉडिफिकेशन के साथ सारी चीज़ों को आपको सेलेक्ट करने का मौका देता है एक परफेक्ट सजेशन के साथ। तो डेफिनेटली जाके कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन ट्राई करो। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी लखनऊ। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 11,939 पे फाइनली सीसीएम में कॉलेज क्लोज हो गया था, तो डिफरेंट ब्रांचेस कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो हाई हाई रैंक्स पे गए थे यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रिपल आईटी ग्वालियर। ओपन कैटेगरी के साथ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद एमबीए 14,912 पे फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया था। अदर कैटेगरी के कट ऑफ आप देख सकते हो। एट टॉप पोजीशन नन अदर देन ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ओपन कैटेगरी के साथ इसी जो न्यूली ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ फ्लैगशिप एकेडमिक प्रोग्राम का, वो 11,553 पे फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया। तो ये था डिटेल्ड 26 ट्रिपल आईटीज के बारे में स्टैट। बाकी कंक्लूजन पे अगर हम आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैक्सिमम कट ऑफ क्लोज हुआ है वो ट्रिपल आईटी मणिपुर का ईसीई विद वीएलएसआई ब्रांच है 87,246 पे ओपन कैटेगरी के साथ क्लोज हो गया। अदर कैटेगरी का मैक्सिमम आप देख सकते हो कहाँ तक गया था। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट के साथ देखें तो वो ट्रिपल आईटी मणिपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 1,11,000 प्लस पे चला गया था। बाकी आप डिटेल यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हो। ये ओवरऑल कंक्लूजन था कि आपका 90,000 के अंदर रैंक रहना चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हो और मेल हो। अगर आप फीमेल हो तो 1,00,000 प्लस पे भी आपको ट्रिपल आईटीज मिलने का चांस रहता है। बाकी ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आप तक ऐसे ही अच्छे कंटेंट डिलीवर कर सके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।